हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 इसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला चैप्टर का पहले हम लोग नाम का अर्थ समझते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को रिएक्शन के बारे में पढ़ना है और उसके इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा बनेगा, रिएक्टेंट क्या होगा, मतलब ये सब को पढ़ना है। क्या केमिकल रिएक्शन होगा, क्या मेरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, आप देखिएगा सिर्फ उसी से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, केमिकल रिएक्शन ये सब सब यही पढ़ेंगे हम लोग। तो जो चैप्टर का नाम होता है फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर भी उसी पे बेस होता है। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम लोग बस उसी को डिफिनेशन उसका डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखिए मैं डिफिनेशन भी वही लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो मतलब एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस का जहां फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हमारा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूं। केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे एक या फिर एक से अधिक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मैं बार बार नया सब्सटेंस, ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अगर डिफिनेशन किसी को याद नहीं हो रहा इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको, कि जिस पे एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। इन व्हिच फ्रेंड्स किसमें, जिसमें ए प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म या फिर वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। या फिर इसको डिफिनेशन को अच्छे से लिखिए, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं अपने लैंग्वेज में हमेशा पढ़ाता हूं। इसके लिए मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं, आप लोग फीडबैक दीजिएगा इसको कैसा है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूं थोड़ा सा बुक से पढ़ाने का। इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच वन और मोर न्यू सब्सटेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Mg+O2 gives MgO। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मिलाएं दो सब्सटेंस को तो एक सब्सटेंस फॉर्म किया। आप इसको तोड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि ये बन ही जाए, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से हम लोग दोबारा वही चीज को नहीं बना सकते जो हम रिएक्टेंट में डाले थे। रिएक्टेंट अभी मैं आगे बताऊंगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो मैं आगे बताऊं, अभी अगर जानना है तो मैं बताता हूं। रिएक्टेंट ये होता है फिर जो हम लोग डालते हैं, प्रोडक्ट ये होता है जो मेरा बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक कपड़ा जैसे ये शर्ट बन रहा है, ये शर्ट बनने के लिए क्या रिएक्टेंट चाहिए हमको? ये शर्ट बनने के लिए जैसे ये कॉटन का है तो हमको कॉटन चाहिए इसके लिए, ठीक है। कॉटन फिर क्या होगा फ्रेंड्स, फर्दर कॉटन मेरा सिलाई किससे किया जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, धागा, ठीक है। तो फर्दर ये धागा बनेगा, फिर धागा के बाद मेरा प्रोडक्ट में क्या जाएगा फ्रेंड्स, धागा के बाद ये मेरा शर्ट बनेगा, ठीक है। तो शर्ट जो कलर का बनाना है वो कलर बनेगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, मतलब ये मैन्युफैक्चर पूरा तरीके से हो गया तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग चावल बना रहे हैं घर में, तो सबसे पहले कच्चा जो चावल है उसको पानी में डालेंगे तो पानी और जो कच्चा चावल है वो रिएक्टेंट हो जाएगा और जो मेरा पक्का हुआ जो चावल निकलेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस? तो मैं आगे डिफिनेशन ही बताऊंगा तो उसके लिए चिंता ना करें। अब चलिए लोग नेक्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम लोग लिखना होगा तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। मतलब समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में हम लोग केमिकल रिएक्शन को फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है फ्रेंड्स, देखिए। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है,
ये नहीं कि एक राज्य से दूसरा राज्य चले गए चेंज स्टेट, ये नहीं। केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब कुछ और होता है, स्टेट का मतलब अवस्था होता है कि फिर सॉलिड से लिक्विड बदला, लिक्विड से गैस बदला या फिर गैस से सॉलिड बदला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का मतलब समझ में आ गया कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया, मतलब कि अगर सॉलिड है तो लिक्विड में बदला, लिक्विड है तो सॉलिड में बदला या फिर गैस में बदला, किसी में बदला मतलब कि चेंज इन स्टेट हो गया मेरे पास। चेंज इन कलर, ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, आप लोग खुद भी क्लास 10 में होंगे तो लैब जाओगे तो देखना, ये ज्यादा समझ में आएगा लैब जाओगे तो। ये सब लैब में ज्यादा समझ में आएगा, ये सब जो चीज है लैब में ज्यादा समझ में आएगा। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंज होगा, अगर दो सब्सटेंस को अगर मिलाते हैं तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वही कलर का बने जो कलर हम डाले हैं, ये जरूरी नहीं है। वो कलर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर भी होगा उसमें। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो जाहिर सी बात है चेंज होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कोई भी रिएक्शन लोग कराते हैं तो टेम्परेचर हमेशा बढ़ता घटता या मतलब चेंज होता जरूर है। थर्ड भी हो गया। अब चलिए फोर्थ देखते हैं, इवोल्यूशन इन गैस, मतलब गैस का बनना। तो गैस भी होता है फ्रेंड्स उसमें, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिसमें गैस निकलता है हमारा, ठीक है, तो गैस निकलता है तो वही हो गया इवोल्यूशन इन गैस। तो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है इवोल्यूशन इन गैस कैसे होगा, तो जैसे कि हम लोग चावल का एग्जाम्पल दिए थे, चावल वगैरह बनाते हैं भाप तो निकलता है ना, तो गैस ही हुआ ना। तो कोई भी रिएक्शन कराओ फ्रेंड्स, गैस निकलना जरूरी है, ठीक है। तो चारों समझ में आ गया फ्रेंड्स, ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है। पहला एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को, भोजन को पचाना, ठीक है, ये भी एक मेरे पास केमिकल रिएक्शन का है। एग्जांपल रिस्पिरेशन, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे घर का विंडो है अगर उसमें हमारा लोहा का लगा हुआ, या फिर डोर है, या फिर फ्रेंड्स इन जनरल आप लोग देखोगे कि हमारा जो, जैसे कि हमारा अगर फ्लोर पे, छत पे अगर कोई लोहे का सामान रखा हुआ है या फिर लोहे का लगा हुआ है हमारा, ठीक है, तो उसमें पेंट होता है। पेंट क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक टिका रहे, ठीक है, तो इसलिए। तो अगर पेंट नहीं किया जाएगा तो आयरन जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आएगा फ्रेंड्स, रस्टिंग कैसे होता है मैं वो भी बताता हूँ। इससे आयरन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाएगा अगर वो मेरा पेंट नहीं किया हो तो, इससे मान लीजिए रॉड रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, जैसे आप लोग रेलिंग लगाते हो ना छत पे जो है उसके किनारे पे हम लोग कुछ लगाते हैं, मान लीजिए लोहा का लगा दिए इस तरह, है ना, एक रेलिंग लोहा का लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर पेंट नहीं किया तो डायरेक्ट एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में अगर आए तो ये जल्दी रस्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग पेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, या फिर हम लोग रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, किसी आयरन को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले यही होगा कि हम लोग पेंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं उसने बताया था केमिकल रिएक्शन जब लिखा था तब मैं बताया था कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन वाइज समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि मैं जब बता रहा था कि केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ, उसमें फ्रेंड्स रस्टिंग में थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं बताते बताते वीडियो रुक गया था, नहीं पता मैं बाद में देखता हूँ तो वीडियो रुका हुआ था, तो मैं बता देता हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन था और लास्ट में शायद कट था, फॉर्मेशन ऑफ कट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि लोहे में जंग लगना फ्रेंड्स एक वो, और कट फॉर्मेशन ऑफ कट मतलब दही का बनना, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स। रिएक्टेंट उसको बोलते हैं कि हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मैं यही चीज बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन है टेक पार्ट करता है। जैसे मैं बताया था अभी, जैसे एक चावल लीजिए, चावल बनाने का प्रोसेस क्या है कि पहले पानी को गर्म करें फिर चावल को डालें, ठीक है, तो वो क्या होगा रिएक्टेंट, जो मेरा टेक पार्ट कर रहा है, जो मेरा भाग ले रहा है उस चीज में, ठीक है। तो कौन सा भाग ले रहा है फ्रेंड्स, कच्चा चावल और पानी, तो दोनों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स रिएक्टेंट हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्मड इन केमिकल रिएक्शन, जो मेरा केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस बना, तो अगर वो दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, राइस बनेगा जिसको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसी का एग्जांपल देखिए, रिएक्टेंट समझ आ गया कि जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है फ्रेंड्स, और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन में बनता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, एयर बोलिए या फिर ऑक्सीजन बोलिए, एयर को ही ऑक्सीजन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर या फिर ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी मैं यही एग्जांपल बताया था थोड़ा सा, क्या कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के पचन में बन जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया फ्रेंड्स, मेरा ये केमिकल
केमिकल रिएक्शन हो रही है मेरे पास। देखिए क्या कि जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें रिएक्टेंट कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी बताता है जो टेक पार्ट करता है मतलब जो मेरा भाग लेता है ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिएक्टेंट इधर हो जाएगा और जो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है ठीक है, या फिर द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्मड इन केमिकल रिएक्शन, जो जो सब्सटेंस मेरा बनता है केमिकल रिएक्शन में, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स, अगर पूछ देगा जैसे कि मैं यही ये नहीं लिखेगा ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं बताने के लिए ठीक है। मैं जब जब रफ करता तो तब ही आ जाता है हमको, मैं डस्टर भूल गया ठीक है। अब देखिए व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन यही पूछ देगा, एकदम सेम क्वेश्चन यही मान लीजिए दे दिया और इसमें से पूछ दिया, रिएक्शन नहीं दिया फ्रेंड्स, आप लोगों को रिएक्शन लिखना आना चाहिए। देखिए इसको समझ के लिखेंगे कैसे, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, जब मेरा मैग्नीशियम रिबन जला, तो मैग्नीशियम रिबन जला तो मतलब हम लोग किसी को चीज को जलाए, तो जलाए मतलब वो रिएक्टेड हो जाएगा ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब हमको क्या मिला, मिला क्या फ्रेंड्स, मिला क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मिलता है मतलब देखिए फ्रेंड्स सब्सटेंस which are formed, मतलब जो सब्सटेंस बन रहा फॉर्म हो रहा है, तो क्या मिला, मिला क्या हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा और बाकी सब रिएक्टेंट हो जाएगा, समझ आया फ्रेंड्स। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएं, किसमें मैग्नीशियम को जलाएं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर एयर के प्रेजेंस में, क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए फ्रेंड्स ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ आ गया। सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, ये नहीं देगा कि Mg plus O2 gives MgO, अब इसमें बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन होगा, ये तो बच्चा आंख बंद करके बता देंगे ये रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देने का आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, कि कौन सा मेरा रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब हम लोग किसको दे रहे हैं और क्या मेरे पास आ रहा है प्रोडक्ट ठीक है। तो समझ आ गया, अब चलिए हम लोग देखते हैं अब ये क्या है, मेरे पास केमिकल इक्वेशन, हम लोग शुरू में समझे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें एक या फिर एक से अधिक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स फिजिकल प्रोसेस से उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते ठीक है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन समझ गए, अब केमिकल इक्वेशन समझते हैं फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले समझा देता हूं फिर डेफिनेशन में आते हैं। केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि उसका स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्टेट को, जैसे कि मैग्नीशियम क्या है सॉलिड, ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन इसी में अगर स्टेट इसका जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, ये हो जाएगा गैस और ये हो जाएगा सॉलिड। देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैं जो लिखा था वो क्या था मेरा, वो केमिकल रिएक्शन था, और जो अभी मैं लिख दिया इसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं करना फ्रेंड्स, दोनों सेम चीज है, सिर्फ इसमें आप स्टेट को लिख दीजिए, उसका फिजिकल स्टेट को लिख दीजिए फ्रेंड्स, तो हो जाएगा क्या वो केमिकल इक्वेशन, और बिना फिजिकल स्टेट का लिखिए तो हो जाएगा केमिकल रिएक्शन, खत्म बात। अब चलिए हम लोग आते हैं उसी का डेफिनेशन, अब केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स वही चीज अभी जो बताएं कि एक केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन में, एक केमिकल रिएक्शन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए वही चीज की है अभी ठीक है। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ठीक है, हम लोग क्या करते हैं सिंबल यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं किसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, देखिए सिंबल यूज किए तो हमको इसको याद रखना पड़ेगा, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि जैसे मैग्नीशियम को कैसे पता सॉलिड है, तो इस सबको याद करना पड़ता है फ्रेंड्स, जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना बुक का जितना भी है उसको एक बार में 8 बार 10 बार आप लोग कॉपी में लिख लिख के आप लोग सॉरी कॉपी में लिख लिख के इसको आप लोग रिवाइज कीजिए तो आप लोग को याद होगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे सॉलिड कैसे हो गया, ऑक्सीजन में गैस कैसे हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड कैसे हो गया, ये सब रिवाइज से याद होता है ठीक है, ये नहीं कि हमको कोई ट्रिक पता है ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए सिंबल क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉलिड का एस, गैस का जी, लिक्विड का एल और एक्वस का ए क्यू, समझ में आया फ्रेंड्स, क्या बोले केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शन से बनता है, देखिए एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल इक्वेशन से ठीक है। It involves uses symbol of substance. इसमें क्या है कि हम लोग सिंबल यूज करते हैं substance में, कौन सा substance का, reactant का और product का, और symbol क्या क्या होगा friends, solid, liquid, gas, aqueous, तो solid के लिए S, liquid के लिए L,
गैस के लिए जी एक्वस के लिए ए क्यू समझ में आके तो देखिए वही चीज यूज की है हम लोग तो इसको आराम से आप लोग नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स मैं अब आगे का बताता हूँ ठीक है इसको नोट किया मैं साइड होगा तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं ये हमारा अभी तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कुछ आए चाहे नहीं आए ये तो 100% फिक्स है कि ये 100% लिख लीजिए फ्रेंड्स मैं 100% बोल रहा हूँ कि 100% फिक्स है कि आएगा ठीक है एक केमिकल रिएक्शन दे देगा या फिर केमिकल इक्वेशन फ्रेंड्स दोनों एक ही चीज में कंफ्यूज नहीं होना है केमिकल रिएक्शन इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स उसमें सिर्फ मेरे पास ये जो सिंबल है वो सिंबॉलिक फॉर्म यहां पे जब रिप्रेजेंट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन यही था डिफरेंस मेरे पास ना कि केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जो सिंपल साधारण सा लिख देते हैं उसमें कोई सिंबल का यूज नहीं होता वो किस स्टेट को दिखा रहा है ये जैसे Fe क्या होता है Fe आयरन आयरन क्या होता है लिक्विड होता है नहीं सॉलिड होता है S लिखेंगे यहां पे फिर यहां पे H2O वाटर वाटर क्या होगा लिक्विड हो जाएगा यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स गैस हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा ठीक है तो उसी तरह मेरे पास क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ये जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन और जो मेरा सिंपल साधारण सा मतलब जो मेरे पास दिया हुआ बस उसी को हम लोग लिख देंगे उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन तो ये केमिकल रिएक्शन है मेरे पास अगर सिंबल लगा दें केमिकल इक्वेशन हो जाएगा बस डिफरेंस यही था मेरे पास चलिए पिछला रिवाइज करवा दिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा बहुत सारे बच्चे को 10th क्या 11th 12th आते-आते भी उन लोगों को बैलेंसिंग नहीं आता और बैलेंसिंग आपको 10th में नहीं 11th 12th तक नहीं छोड़ेगा आपको ठीक है तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग जैसे यहां पे लिख दिया एलिमेंट का नाम अब रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट कितने बार है तो चलिए उसको लिखते हैं रिएक्टेंट में कितना देखिए Fe आयरन आयरन कितना एक बार है कुछ नहीं मतलब एक है यहां पे देखिए हाइड्रोजन कितने बार है दो बार है ऑक्सीजन कितने बार है फ्रेंड्स एक बार है ठीक है अब चलिए यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट में फ्रेंड्स आयरन कितने बार है दो बार है फ्रेंड्स हाइड्रोजन कितने बार फ्रेंड्स दो बार है हाइड्रोजन मेरे पास दो बार है यहां पे और ऑक्सीजन यहां पे मेरे पास सॉरी फ्रेंड्स ऑक्सीजन मेरे पास चार बार है तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं तो क्या करेंगे सीधा से कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स यहां पे देखिए यहां पे 2 है यहां पे 1 है तो 2 ला लेंगे क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके यहां पे 4 है यहां पे 1 है तो 4 ला लेंगे यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मान के चलिए फ्रेंड्स यहां पे पहले से मेरे पास 2 रहता और यहां पे 4 है कितने से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से करते हैं ये सब सीखना ये नहीं कि रट लेना 4 से करना या फिर इधर जितना रहेगा उधर ही करेंगे ऐसा भी तो हो सकता है फ्रेंड्स कि यहां पे 4 हो गया यहां पे 2 हो गया तो यहां पे फिर 2 से करेंगे तो ऐसे रटना नहीं इसको समझना है ठीक है तो कितना था यहां पे ऑक्सीजन मेरे पास 1 था और यहां पे ऑक्सीजन मेरे पास 4 था तो इसको 4 से करेंगे ठीक है तो क्या किए कुछ नहीं किए अब देखिए यहां पे इसको 2 से किए ठीक है इधर कुछ नहीं किए उसी तरह हाइड्रोजन को किए इधर 2 से नहीं सॉरी हाइड्रोजन तो पहले से आ गया यहां पे क्या किए फ्रेंड्स ऑक्सीजन को किए 4 से तो यहां पे ऑक्सीजन को करेंगे ये नहीं यहां पे लगा देना ठीक है कभी भी अगर बैलेंस करते हैं ना तो हम लोग आगे लिखते हैं अब जो हमारे पास फ्रंट में जो लिखा जाता है फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये क्लास 10th का चीज नहीं है 11th 12th में है 11th 12th में ये सब पूछ सकता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है ये बताइए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो मेरे पास बैलेंसिंग करने जो बैलेंसिंग करते हैं हम फ्रेंड्स सीधा सा समझिए कि जिससे हम लोग बैलेंस करते हैं आपको जो फ्रंट में लिखा रहता है देखिए ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स जब भी बैलेंस करते हैं हम लोग आगे लिखते हैं कभी पीछे नहीं लिखते ऐसा नहीं है कि यहां पे देखिए 4 से किए ऑक्सीजन को ना कर रहे हैं 4 से कंफ्यूज मत हो रहा है ऑक्सीजन को कर रहे हैं यहां पे लिख दे रहा नहीं हमेशा बैलेंसिंग होता है तो आगे होता है ठीक है तो अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अब क्या होगा 8 हो गया यहां पे तो इसको भी अब 4 से करेंगे तो 4 से 8 देखिए 8 8 बैलेंस Fe 2 2 बैलेंस और ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ हुआ ये ऑक्सीजन के साथ में वो 4 बैलेंस हो गया फ्रेंड्स तो ये हो गया मेरे पास बैलेंसिंग ठीक है समझ में आ गया बैलेंसिंग फ्रेंड्स इजी तो है बट इजी तो सब चीज है लेकिन समझ में आने के बाद तो एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स ये कंफ्यूज नहीं होना है मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि मैं जब पढ़ा 10th को स्टूडेंट लोगों में पढ़ाता हूं 9th 10th को ठीक है
देखते हो बहुत सारे कंट्रीज क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं ये फोर सी किया तो फोर यहाँ लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ है, रिएक्टेंट में ना बैलेंस है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन यहाँ, ऐसा नहीं करना। जब भी लगाना है तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में लगाना है, इसका मतलब जो फ्रंट में लगाते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स, इसको आप लोग अब नोट कीजिए। डस्टर आ गया, देखिए लास्ट जब सेशन हुआ तो डस्टर अब आ रहा है, ठीक है? तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए फ्रेंड्स, मैं इसको अब रफ करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर पे मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा फ्रेंड्स, या फिर मैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 10 मिनट कम से कम बताऊंगा तो जरूर, क्योंकि अगर पांच क्वेश्चन भी लूंगा फ्रेंड्स, पांच क्वेश्चन तो 10 मिनट जरूर लग जाएगा बताते बताते समझाते समझाते। तो मैं एक ही क्वेश्चन भी बताया हूं तो मैं चार पांच क्वेश्चन और बताऊंगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और अगर टाइम अगर 10 मिनट से कम लगा तो मैं केमिकल टाइप्स और केमिकल रिएक्शन बता दूंगा। टोटल 20 मिनट का वीडियो मैं बनाना चाहूंगा, तो 20 मिनट का वीडियो अगर इतना हो जाएगा तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको नोट कीजिए, आज का लेक्चर बस इतना ही फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्लास 10th का ये मेरा केमिस्ट्री में एक बार बता चुका हूँ, ये फिर से मैं बना रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए थैंक यू फ्रेंड्स।